बेहद हैरानीजनक मामला सामने आया है मोगा से। आपको बता दें पुलिस की ओर से लुधियाना की जगराऊं स्थित डेरा चरण घाट के मुख्य सेवादार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। दरअसल इस बाबा के खिलाफ कुछ दिन पहले एक अन्य लड़की ने भी रेप की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मोगा पुलिस ने भी पीड़िता के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी बलविंदर सिंह को प्रोटेक्शन वारंट पर ले आई है। जानकारी के मुताबिक 6 मई को डेरा चरण घाट के प्रधान बलविंदर सिंह 25 साल की लड़की को मोगा की एक निजी होटल में लाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की के परिवार वाले डेरे में जाते थे, जिसके चलते लड़की अपने नशेड़े भाई को सुधार की गुहार लेकर डेरे में गई थी। लड़की को स्पेशल अरदास करवाने की बात कहकर 4.5 महीने पहले मोगा के एक निजी होटल में डेरे के मुख्य सेवादार बलविंदर सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसके बाद वह लड़की को डेरे पर बुलाता था और हफ्ते में 2 बार उसके साथ दुष्कर्म करता था। लड़की ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद डेरे के मुख्य सेवादार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। 2 सितंबर को जगराऊं थाने के में मुख्य सेवादार बलविंदर सिंह पर एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद डेरे के मुख्य सेवादार को गिरफ्तार कर गोविंदवाला जेल भेज दिया गया। आप भी डालिए इस पूरे मामले पर एक नजर। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਹੈ ਚਰਨ ਕਾਟ ਥਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਗਡਮ ਹੋਟਲ ਦਾ ਵਕੂਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਡ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਗਰਾਓਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨਕਾਰ ਠਾਠ ਦਾ ਹੀ ਵਕੂਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਐਫ ਵੀ ਹੈਵ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਐਂਡ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਅਰੈਸਟਡ ਇਨ ਅਨਦਰ ਕੇਸ। ਹਾਂਜੀ।